ओके, 1 सेकेंड, कहाँ गए? हाँ, तो मैंने जब आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखा एंड मैंने रेड दिस विदाउट किलिंग रिलेशनशिप्स, आई थिंक दिस इज सो इम्पोर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड. एंड कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जस्ट एक दिन पहले माय हस्बैंड वाज टॉकिंग टू सम ऑफ हिज फ्रेंड, एंड उन उनके जो बेटे हैं ना, वो टीनेजर है एंड वो इतना एडिक्टेड है फोन में. और मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि उनके जो फ्रेंड है वो बता रहे हैं कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, वो छोड़ नहीं रहा है, और मैं उसको डांटता भी हूँ, ये भी करता हूँ. एंड आई थिंक आई नीड टू फाइंड अ काउंसलर फॉर माई चाइल्ड. एंड देन द एग्जाम्पल दैट ही वॉज गिविंग, लाइक के हर समय फोन में लगा रहता है. जब भी मैं काम करता हूँ तो जब भी मैं देखता हूँ वो फोन में लगा होता है. मैं उससे वीकेंड पे जब इंगेज होने की कोशिश करता हूँ तो उसके पास टाइम नहीं होता है. तो द काइंड ऑफ क्लूज दैट आई रेड इन बिटवीन, तो मेरे मुंह से ना एकदम से ये निकला कि इंस्टेड ऑफ यू नो द चाइल्ड सीइंग द काउंसलर, द पेरेंट्स शुड सी द काउंसलर. सही बात है, देर आर नो तो बस स्पॉइल्ड चिल्ड्रेन। राइट राइट. एंड तो इनफैक्ट मेरी ना, मेरे एक टीचर भी है, मेरी स्कूल टीचर है, उनसे अभी भी जैसे बहुत अच्छे से बात होती है. तो वो भी यही बोलते हैं, दे आर नो बैड स्टूडेंट्स, देर ओनली यू नो टीचर्स आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट थिंग इन देम. तो बिल्कुल सही बात है, मेरे हर मुझे वो पोस्ट में बस मैंने लिखा है कि बच्चा हाँ. जीनियस है, बच्चा भगवान है, बच्चा लीडर है। राइट. तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी एंड समहाउ यू नो इट रेडिएट्स इन आपके जो पोस्ट आते हैं, द एनर्जी पिक्चर्स में भी, द एनर्जी, द ग्लो, द स्माइल ऑन योर फेस, इट टॉक्स अबाउट अ वेरी क्लीन हार्ट एंड अ वेरी लविंग पर्सन. एंड आई थिंक बच्चों को इस दुनिया में, अभी की दुनिया में, वो उस चीज की बहुत जरूरत है. मतलब इंस्ट्रक्शंस तो सब देते हैं, पेरेंट्स से लेके हाँ टीचर्स से लेके सब देते हैं, बट टू बी एबल टू रीच टू दैट लेवल एंड गिव दैट लव, वो बहुत जरूरी है. थैंक एम सो थैंकफुल टू यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। यू, यू थैंक मेड यू सो माई मच. डे, डेज, वीक, वीक्स, मंथ, मंथ्स, ईयर, ईयर्स, लाइफ। गॉड सेंट यू टू ब्लेस। थैंक यू सो मच। नो, आई थिंक एवरीथिंग इज विद अ पर्पस. आई फील कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि अभी कुछ हफ्ते पुरानी बात है, आई थिंक तीसरा थर्ड वीक स्टार्ट हो रहा है अभी. हमारे जो नेबर्स हैं, कोविड के टाइम पे हम लोग का बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाता था. मेरी बेटी भी छोटी थी और वो लोग भी बॉम्बे कभी ट्रैवल कर रहे हैं और ऐसा सब. तो अभी उन्होंने मुझे कुछ टाइम पहले बोला कि उनका बेटा 9th क्लास में है और उनको मैं मेडिटेशन और माइंडफुलनेस सिखाऊं. तो मैंने बोला ठीक है. तो जब मेरी बच्चे से बात हुई तो मैंने जानने की कोशिश करी कि उसको ये क्यों सीखना है, क्या जरूरत है, कहाँ पे क्या चीज है. तो वो थोड़ा एज अ कोच एक्सप्लोर करने की कोशिश करी. एंड समहाउ यू नो आई ऑल्सो फील दैट वी हैव अ ड्यूटी टू गाइड एंड टू बी देयर विद द किड्स बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव गॉन थ्रू इन आर जर्नी. हाँ एंड राइट, बिकॉज वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मतलब ऐसा कि पढ़ाई करो और ये करो वो करो, नहीं, वो तो सब करते ही हैं, सब बोलते ही हैं. बट एज अ कोच आई फील कि जहाँ ऐसा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जहाँ हमें दिखता है कि हम कहीं भी वो समझ सकें और कहीं कुछ थोड़ा चेंज ला सकें, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अभी इम्पोर्टेंट लगती है. आप तो थोड़ा कब नहीं, समझ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग राइट रहा है सुन के कि आप बहुत राइट प्यार से डील करते हो बच्चों के साथ। थैंक यू सो हाँ मच। थैंक यू. नहीं मतलब मैं ज्यादा अभी तो नहीं, बट हाँ जब थोड़ा बहुत कभी ओकेजन्स होते हैं. बच्चों के साथ मेरा अभी उतना नहीं है, आई एम अच्छा, लाइक बड़ों के मोस्टली साथ वर्क. है, मम्मियों के हाँ साथ। आई एम वर्क हाँ आई एम वर्किंग विद मोस्टली विद वर्किंग वुमेन. मतलब दैट इज व्हाट माय फोकस एरिया इज, बट अदरवाइज आई आल्सो हेल्प यू नो एडल्ट्स, वर्किंग वर्किंग पीपल. थैंक बहुत बढ़िया। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द गुड यू. वर्क यू आर डूइंग। Same to you. All the best. All the best to you.